महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। वो किसी भी कास्ट को वोट जॉब दें, लेकिन टैलेंट देखकर जॉब दें। ऐसा नहीं कि किसी को भी आरक्षण के तौर पे जॉब दे दें। टैलेंट वाला को नौकरी होगा, आरक्षण वाला को नौकरी नहीं होगा। आरक्षण ला के तो नौकरी दे देगा, साहब के झारे नहीं जा रहा है, शर्मिंदा के बैच खुल चढ़ा है, नहीं उसका काम नहीं। पहले पढ़े जाता था, निचला जात अंगूठा काट लेता था। यार कांग्रेस के सरकार में ना, कांग्रेस के सरकार में, मोदी के सरकार में नहीं। आरक्षण में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सर्विस आरक्षण होना चाहिए। बीजेपी वाले की भी औकात नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर किसी बीजेपी नेता के अंदर अगर हिम्मत है तो सामने आकर के खुल के चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण के बयान को विरोध कर हम मान जाएंगे। मेरे हिसाब से आरक्षण को ही हटा देना चाहिए। आरक्षण से किसी का फायदा नहीं है, जहां तक कि आरक्षण के कारण ही ऊंच नीच भेदभाव समाज में फैल रहा है। अभी तक तो आप देख रहे थे किस प्रकार से सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात चलती थी, उस पर जो है लड़ाई होती थी, लेकिन अब जो है प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का बात कर रहे हैं नगीना के नव निर्वाचित सांसद। यहाँ पे हमारे साथ बिहार के कुछ लोग मौजूद हैं, अब इन सभी से जानते हैं कि उनका ये मांग किस हद तक सही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? रवि गिरी। अच्छा, एक बात बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मांग करना किस हद तक सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है भैया। अगर सही है, हम तो ये कहेंगे कि जो भी है, जो टैलेंटेड हैं, उनको जॉब मिलना चाहिए, चाहे वो SC ST से हो, चाहे वो जनरल कास्ट से हो, चाहे OBC से हो। जो टैलेंटेड, जो जॉब का अधिकारी है, उनको जॉब मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि किसी को भी आरक्षण के तौर पर जॉब दे दिए, फिर बाद में आमिलों को दिक्कत होगा ना। जो काम करने के लिए जाएंगे, आप देख लो, वोटर आईडी कार्ड बनता है, नए नए लोगों को बहाली कर देते हैं, उनको नाम सुधारने के लिए 10 बार जाना पड़ता है, क्योंकि उनको नाम लिखने नहीं आता है, उनको सिर्फ दे देते हैं जॉब कि चलो जॉब मिल गया। लेकिन सही तरीके से एक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनता है, अब बन तो आ जाता है, लेकिन उसको सुधारने के लिए 10 बार हमें जाना पड़ता है और नाम तक लिखने नहीं आता है, तो क्या फ़ायदा है? वो किसी भी कास्ट को वोट जॉब दें, लेकिन टैलेंट देखकर जॉब दें। ऐसा नहीं कि किसी को भी आरक्षण के तौर पे जॉब दे दें। ये परीक्षा एग्जाम दे के कंपटीशन में देख उसको लावे, आई ना कि खरीद के लावे। डॉक्टर के डिग्री ले ले है या बुखार के दबे नहीं जा रहा है। बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण नहीं है, तब वो कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए। टैलेंट वाला को नौकरी होगा, आरक्षण वाला को नौकरी नहीं होगा। आरक्षण ला के तो नौकरी दे देगा, साहब के झारे नहीं जा रहा है, शर्मिंदा के बैच खुल चढ़ा है, नहीं उसका काम नहीं। जो पढ़ेगा उसको नौकरी होगा, उसको होना है नौकरी। टैलेंटेड लोग को ही आना चाहिए। ही ना कि ना, जो टैलेंटेड रहेगा तो ना हमारा बाल बच्चा के विकास करेगा वो। सही बात है। आपका नाम क्या होगा? हाँ, आशीष हुआ। आपका क्या कहना है? किस संदर्भ में? संदर्भ में क्या कर रहे थे इतने देर से आप? नहीं, मेरी जानकारी नहीं है अभी। जानकारी ये है कि चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद नव निर्वाचित हुए हैं, उनका कल बयान आया है कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। उनका ये मांग किस हद तक सही है? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन कुछ कैटेगरी के, सिलेक्टेड कैटेगरी के लिए मिलना चाहिए, मेरा जैसा मानना है, हर चीज के लिए नहीं। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन टैलेंटेड लोगों के लिए। तो फिर जब टैलेंटेड लोग जाएंगे ही, तो फिर उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? जब उनके पास टैलेंट है, हाँ, तो फिर उनको क्या जरूरत है? मान लीजिए कोई दोनों पैर से सही है, विकलांग नहीं है, तब उसको भाई साक्षी की क्या जरूरत है? हाँ, सही बात है कि नहीं? हाँ। तो फिर जो टैलेंटेड है, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? टैलेंटेड लोग तो जाएंगे ही जगह पे, लेकिन वो लोग दरकिनार कर दिया जाता है। उस कौन दरकिनार कर दिया जाता है? षड्यंत्र के कारण बहुत लोग ऐसे करते हैं, जिनका पॉलिटिकल अप्रोच है, आज जिनके पास पैसा पैरवी है, उनको ही लगता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं, आज भी ऐसा हो रहा है, प्राइवेट में भी हो रहा है, आज प्राइवेट में भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, और भी लोग? हाँ, कहिए। क्या चंद्रशेखर रावण ने जो कहा है, नगीना से जो सांसद हैं, उन्होंने अपना बात पार्लियामेंट में रखा है और कटआउट लेके मांग रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर जो भी है, कंपनियां, सारी कंपनियों में कहीं ना कहीं आरक्षण होना चाहिए, ताकि जो दबी कुचले लोग हैं वहां जा सके, रोजगार पा सके। उस सारी नौकरी में तो उनको आरक्षण मिल ही रहा है, तब फिर प्राइवेट सेक्टर में यदि आप आरक्षण कर दीजिएगा, तो जो टैलेंटेड नहीं है, तो फिर तो है अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुआ कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, उसमें समय सीमा होता है आरक्षण में। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो तो चल ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं होता है। तो जहां कम से कम 10% आरक्षण आप दे दीजिएगा, तो वो जो दबे कुचले लोग हैं, जो विकलांग हैं, जो किसी कारण से
हाथ से, पांव से, नाक से, कान से या आंख से, मतलब आपके हिसाब से मिलना चाहिए उनको आरक्षण, लोगों को मिलेगा। चलिए, हाँ सर, शुभ नाम आपका? शिवनाथ सिंह। अच्छा सर, एक बात बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? चंद्रशेखर रावण जो एक सांसद है, उनका मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो। तो क्या है, सरकारी सेक्टर में आरक्षण है, ठीक है, जिसको मिलना चाहिए आरक्षण उसको अभी तक मिला, क्यों नहीं मिला? आप पढ़ाई का व्यवस्था किए, उसका पढ़ेगा, वो फॉर्म भरने लायक डिग्री लेगा तब ना वो फॉर्म भरेगा, उसको नौकरी मिलेगा। अभी भी जाइए झोपड़पट्टी में, चेक कीजिए, सब पांचवा क्लास तक भी नहीं पढ़ता है सर। कौन पढ़े, पढ़े दीजिएगा तो ना, पहले पढ़े जाता था, निचला जात अंगूठा काट लेता था यार। कांग्रेस की सरकार में ना, कांग्रेस के सरकार में, मोदी के सरकार में नहीं, मोदी के सरकार में, नीतीश के सरकार में, सुनिए ना, नीतीश के सरकार में घर में से बच्ची को निकाल के स्कूल में पहुँचाया गया। पहले कितना बच्ची मैट्रिक पास करती थी, आज सब बच्ची बीए पास कर रही है। कैसे? साइकिल का प्रलोभन दिया कि जाओगी स्कूल तुमको साइकिल देंगे, कपड़ा देंगे, पैसा देंगे, हैं? आ खाली सरकार में आई है, घोटाला कर लीजिए सब, हैं? स्कूल सब आपके सरकार में गिर के नीचे गया था। अभी नीतीश कुमार दो मंजिला स्कूल हर गांव में बनाया है। एक मिनट, आप ही का जवाब रहेगा तो खाली घोटाला, दो मंजिला बना दीजिए या चार मंजिला बना, पूरा टाइल्स मार्बल है। आ कई गो नेता का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ जाता है, इनसे जवाब। अरे नेता के बाल बच्चा से मतलब नहीं है, वो गरीबों के लिए स्कूल बना है। गरीब का जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था वो जाके पढ़े, अरे अब हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, अब हो रहा है, हर सरकारी स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में अब हो रहा है पढ़ाई, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है? पहले पहले चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई होता था, हैं? चरवाहा विद्यालय आप खुलवाते थे, हाँ? एक गो, अच्छा बताइए कहाँ है चरवाहा विद्यालय, इनसे पूछिए, एक गो चरवाहा विद्यालय बताएं कि फलाने जगह पर हम देखे हैं। अरे भैया, तो कांग्रेस का देन था कि स्कूलों बनवा दिए, नहीं तो मोदी जी का शौचालय में वोट देवे जाए। एक भी स्कूल नहीं बनवाया है। अच्छा, तो मोदी जी का शौचालय वाला गलत है क्या? क्या शौचालय बनना गलत है क्या? अरे जैसा सोच वैसा शौचालय, जैसा सोच रहेगा उसी ना। अरे सोच में कुछ नहीं है, इन लोगों के सोच में रोड नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, इन लोगों के सोच में खाली घोटाला था। पैसा आया सरकारी, वो मेरे बाप का पैसा है, सब पैसा का घोटाला कर लो बस। इनका सरकार केवल यही किया है, इनका सरकार केवल यही किया है, जो पैसा आया उसका घोटाला करो। बीजेपी सरकार में सारा पैसा का काम हो रहा है, रोड बन रहा है, बिजली लग रहा है, स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, सब बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, फ्लाई ओवर बन रहा है, मरीन ड्राइव बन रहा है, अटल पथ बन रहा है, सब बन रहा है। पहले कुछ बना था? कंकर बोगाला रोड में इतना गड्ढा था कि नहीं, आप बताइए। आपका तो ये, हाँ हाँ, आप देखे होंगे मलाई पकड़ी चौक में इतना गड्ढा, आज जाके मलाई पकड़ी चौक देखिए, चमक रहा है। देखिए, हमारा टॉपिक ये था, मुद्दा से लोग भटक रहे हैं। टॉपिक ये है कि चंद्रशेखर रावण का प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मांग किस हद तक सही है। करोड़ दिया है मोदी, ठीक है, 59,000 करोड़, 58,000 कुछ पॉइंट, कुछ नहीं, 59,000 करोड़। आज जानते हैं क्या बनेगा? अब बनेगा यहाँ एक्सप्रेस वे, सुने ना, एक्सप्रेस वे पटना से पूर्णिया, पटना से पुणे, ठीक है। एयरपोर्ट बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है, मेडिकल कॉलेज बनेगा, होगा सर, दरभंगा में जमीन के अंदर, वही वाला बात बोल रहे हैं, वाला बात। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? इसकिया कहमक जी, इसकिया कहमक मैं नाम हुआ। अच्छा, ए भैया भैया भैया, एक मिनट आगे, हाँ हाँ, बात ये है कि चंद्रशेखर रावण नया सांसद चुने गए हैं नगीना से, उनका कहना है कि अब जो है प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। आपको क्या लगता है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण सही है या गलत? प्राइवेट सेक्टर, हाँ देखिए, प्राइवेट सेक्टर में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सर्विस आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, मतलब सरकारी नौकरी में आरक्षण सही है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलना चाहिए, आपका क्या कहना है? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किस हद तक सही है? प्राइवेट सेक्टर क्या मिलेगा आरक्षण, किसी के बाप का है क्या? ज्यादा उनको चाहिए तो खुद प्राइवेट अधिक खोल ले और आरक्षण दे दें, गजब हाल है उनका, बेवकूफी वाला कहाँ से सांसद बन जाता है, इसे पता नहीं चलता है, क्या सांसद बन गया, समझ में नहीं आ रहा है सबके, भूत लूट के चोरी सांसद बना है का? प्राइवेट सेक्टर में आज तक कौन बोला है कि आरक्षण चाहिए? अरे सरकारी में बोलो तो वो अलग बात होता है, प्राइवेट में कौन बोलता है? ज्यादा ज्यादा अगर दिक्कत है
चंद्रशेखर रावण को ज्यादा दिक्कत है तो खुद का प्राइवेट सेक्टर खोल ले, उसमें आरक्षण दे दे, सबसे बढ़िया बात है, क्या इतना फालतू का बकवास करना। अरे उस सबको देखिए, चंद्रशेखर रावण को आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, उसका काम है, देखिए उस सबको फंडिंग होता है बाहर से, क्या चीज का फंडिंग होता है, हिंदू में वार करवाओ, हिंदू से हिंदू को लड़वाओ, समझे, चंद्रशेखर रावण का मेन यही मकसद है, हिंदू से हिंदू को लड़वाओ बस। कांग्रेस का काम है हिंदू मुस्लिम करवाओ, कांग्रेस नहीं बोलिए, कांग्रेस और आरजेडी हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस नहीं बोलिए, मोदी मोदी बोलिए, मोदी को कहिए कि हिंदू मुस्लिम करवाओ। मोदी जी तो कहते हैं मेरे 135 करोड़ देशवासी, कौन मोदी जी का तो कहना है कि मेरे 135 करोड़, एक सेकेंड, अरे मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस बोले क्या बोले, मोदी जी तो कहते हैं मेरे 135 करोड़ देशवासी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे आते हैं। नहीं सर, गलत फैमिली में है, चारे को गुजराती मिलके देश चला रहा है, दो को बेच रहा है, दो को खरीद रहा है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उसमें हिंदू है, सुनिए, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, हिंदू मुसलमान सबके लिए बन रहा है कि नहीं, शौचालय बन रहा है सबके लिए बन रहा है, उज्ज्वला नहीं, आयुष्मान कार्ड है सबके लिए बन रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए है। और हम तो कहेंगे हिंदू से ज्यादा लाभ हमारे गाँव में, जानते हैं 50 घर मुस्लिम है, हम लोग सब मिल करके रहते हैं, हम देखते हैं कि हम लोगों से ज्यादा लाभ वो लोग उठाता है, हम लोग उठवाते हैं, हम लोगों के पास पहुंचता है कि देखिए हमको ये दिक्कत है, हम जा करके उसको करवाते हैं। राशन क्या पूछ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किस हद तक सही है? सही है, चंद्रशेखर रावण आज बोले बिल्कुल सही है, कैसे सही है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अपनी मांग रख सकते हैं, मिलना ना मिलना अलग चीज है, मिलना चाहिए कि नहीं, मेरा ये सवाल, मेरे हिसाब से अगर देखिएगा तो मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद रावण की जो डिमांड है, जो मांग है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्पीकर महोदय ने एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर जल्द ही सुनवाई होगी, और सुनवाई होती है तो शायद हो सकता है कि स्पीकर महोदय सहमति हो जाए, और सारे देखिए बीजेपी वाले की भी औकात नहीं है, ये बात याद रखिएगा, अगर किसी बीजेपी नेता के अंदर अगर हिम्मत है तो सामने आकर के खुल के चंद्रशेखर आजाद रावण के बयान को विरोध कर दे, हम मान जाएंगे। अच्छा, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी आकर के बोल देना, नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या अमित शाह, अगर कोई आकर के बोल दे कि चंद्रशेखर आजाद की जो डिमांड है, जो मांग है वो बिल्कुल गलत है, जायज नहीं है, तो कल देखेगा इन लोग हालत खराब हो जाएगा, ये लोग डर से नहीं बोल रहे हैं, उनका बयान पर खामोश मांग सही आप बता। पूरा पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा जो समाज है एकजुट हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद रावण के पक्ष में आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर देंगे वो लोग। क्या नाम हुआ आपका भैया? क्या आपका नाम क्या हुआ? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार जी बताइए, चंद्रशेखर रावण नव निर्वाचित सांसद हैं, यूपी के नगीना से, उनका एक बयान आया है, उनका मांग है, जैसे बिल लाए थे संसद में, कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की जरूरत है, आरक्षण मिलना चाहिए। अब आप बताइए कि बिहार के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आरक्षण मिलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में या नहीं मिलना चाहिए? पूरा का पूरा उनका सारा जगह उन लोग के लिए पूरा फ्री कर दिया जाए, कल के डेट में उनका अभी मांग पूरा कर दिया जाएगा ना, कल के डेट में कहेंगे कि हमको एकदम सर पे बैठा के रखो, तो सर पे बैठा के तो नहीं रखेगा आदमी, समाज है, समाज में सब लोग हैं, ठीक है, ऊंचा है नीचा है, सबको गरीबी स्तर पे सबका ये आय देखते हुए ना किया जाएगा। आरक्षण सबसे बड़ा बिहार के लिए या पूरा भारत के लिए कलंक है, पूरा पूरी आरक्षण को ही हटा देना चाहिए, समझे, आरक्षण मेरे हिसाब से आरक्षण को ही हटा देना चाहिए, आरक्षण से किसी का फायदा नहीं है, जहाँ तक कि आरक्षण के कारण ही ऊंच नीच भेदभाव समाज में फैल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में भी जो आरक्षण उसको खत्म कर देना चाहिए, आपका ये कहना, पूरा पूरी खत्म कर देना चाहिए सबको एक समान, आपका क्या कहना है इस मुद्दे? सहमत है, हम इनसे सहमत है, इनसे सहमत है, इन्हीं के बात भाई साहब से सहमत है। जी जी, चलिए, तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो चंद्रशेखर रावण के इस मांग को गलत बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जो हैं वो उनके पक्ष में ही बता बोले। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, जय हिंद।